हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग और आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब आप नेट यूज़ करते हैं तो उसमें क्रोम में एक एरर आता है, वो आप सभी ने कभी ना कभी फेस किया होगा। AW स्नैप करके वेबसाइट को ओपन करने में एरर आ जाता है। तो इसके आज हम पॉसिबल सॉल्यूशंस देखते हैं और इसमें 110% आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है कि क्रोम वेब ब्राउज़र जो है आपका, उसमें राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है और इसमें कंपैटिबिलिटी में आपके पास जो भी आप विंडोज़ का वर्जन यूज़ कर रहे हो, मैक्सिमम जैसे मेरे पास 7 है अभी, तो मैं इसको विस्टा में अप्लाई करूँगा। अगर आपके पास 10 यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको विंडोज़ 8 में आप इसको अप्लाई करिएगा। इसको अप्लाई ओके कर देते हैं और एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि आपका वेब ब्राउज़र मतलब उस वेबसाइट को ओपन करने में कामयाब हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके अलावा एक दूसरा और सॉल्यूशन है इसका, इसमें आपको क्या करना होगा दोस्तों, ये जो आपका टारगेट है इसमें आपको साइड में जाके इसके लास्ट में जाके आपको टाइप करना होगा डैश डैश नो डैश सैंडबॉक्स। ये बेसिकली इसको आपको अप्लाई ओके करके एक बार रीस्टार्ट करना होगा। ये बेसिकली सैंडबॉक्स क्या होता है कि क्रोम का जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है उसका मतलब एक इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है सैंडबॉक्स, तो ये बेसिकली ऑन रहना चाहिए। ये हम केवल टेस्टिंग के लिए इसको माइनस अभी मतलब माइनस करके इसको डिसेबल कर रहे हैं। तो ये जब भी आपका चल जाता है या ओपन हो जाता है, ठीक चल जाता है ब्राउज़र, तो आपको इसको हटाना भी होगा यहाँ से, क्योंकि ये क्रोम का सिक्योरिटी मैकेनिज्म है। अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे तो कल को दिक्कत हो सकती है आपको, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसको अप्लाई ओके करने के बाद आप चेक करिए साइट ओपन हो रही नहीं हो रही, और अगर ओपन हो जाती है तो इसको यहाँ पे जाके माइनस कर दीजिए, अप्लाई ओके कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम में ये फिर दोबारा इनेबल हो जाए। तो इसको ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक सॉल्यूशन ये होगा कि आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है और सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको इसकी ब्राउजिंग डेटा जो है उसका आपको क्लियर करना है, ऑल टाइम करके और अप्लाई क्लियर कर देना है, इसका क्लियर डेटा कर देना है, ताकि इसमें कुछ भी हिस्ट्री में कुछ भी रह ना पाए। और इसके अलावा आपको एक बार सिस्टम में जाकर और ये कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड ऐप्स व्हेन गूगल क्रोम इज़ क्लोज्ड, एक इसको भी आपको ऑफ कर देना है, और एक यूज़ हार्डवेयर एक्सेलरेशन, तो इसको भी आपको डिसेबल कर देना है। इन दोनों चीज़ों को आपको डिसेबल कर देना है। बेसिकली क्रोम आप बंद भी कर देते हो तब भी कुछ बैकग्राउंड में इसकी सर्विसेज ऑन रहती हैं, तो ये अगर जब तक आप इसको प्योरली बिल्कुल क्लियरली ऑफ नहीं करेंगे और ऑन नहीं करेंगे तब तक ये रीस्टार्ट नहीं होगा या सेटिंग नहीं होगा। इसके अलावा आप इसको एक बार अबाउट में जाके आप इसको क्रोम को अपडेट कर सकते हैं, क्रोम का लेटेस्ट वर्जन हो जाएगा तो ये भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये तो इन दो तीन सॉल्यूशन मैंने आपको क्विक बताए हैं, ये अप्लाई करिएगा, 110% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जो मैंने आपको बताया इसकी सेटिंग का, वो ज़रूर ध्यान रखना है, सैंडबॉक्स की आपको नेक्स्ट टाइम में वो इनेबल दोबारा कर देनी है, नहीं तो आप अगर आप इसमें पेमेंट वगैरह कुछ इशू करेंगे तो वो दिक्कत आ सकती है आपको इसमें। तो सैंडबॉक्स हमें इनेबल रखना है, उसको डिसेबल नहीं करना है। तो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी क्विक वीडियो में सारा चीज़ें बताता हूँ। कभी ऐसा नहीं होता कि मैं वीडियो को लंबा खींचने की कोशिश करता हूँ, तो अपना टाइम भी बचाइए आप, मैं जल्दी जल्दी आपको क्विक सॉल्यूशंस देता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक कर लें। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।